देखिए दोस्तों, आज हमारे पास EMI 4A मॉडल का एक फोन आया हुआ है। इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। चलिए फटाफट इसको देखते हैं कैसे इसको ठीक किया जाए। अगर आपके भी सेट में ऐसा प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, आप अपने सेट को खुद से ही कर पाएंगे। बहुत आसान तरीका है इसे करना। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसे ऐड कर लीजिए, यहाँ पे कंट्री में सेट कर लीजिए। मैं इंडिया का इंडिया सेट करता हूँ। यहाँ पे अपना वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए। मैं भी अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें वेरीफाई और अकाउंट मांग रहा है। इससे पहले जो इसमें GMAIL ID डाला गया था, वही GMAIL ID वेरीफाई के लिए यहाँ पे मांग रहा है ये। चलिए इसे देखते हैं। आप अगर ध्यान से इसे देखेंगे तो आप खुद से कर पाएंगे सेट को। बहुत आसान है, 5 मिनट के अंदर अंदर फाइन हो जाएगा। चलिए फटाफट बैक आ जाइए। एक मिनट, यहाँ पे आना है आपको। आज नेटवर्क पे क्लिक करिए फटाफट करके। मैं कोशिश करता हूँ कि फटाफट मैं कर बता भी सकूँ आसानी से। उसे इतना समय तो मुझे नहीं लगता है करने में, लेकिन आपको बताने के लिए समय लग जाता है, ताकि समझ में आ जाए आपके। बाद में आप ये ना कहें कि समझ में नहीं आया। यहाँ पे www.youtube.com इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे देख लीजिए, इस जगह पे क्लिक करिए, देख लीजिए YouTube यहाँ पे खुल चुका है। नेट हमारा स्लो है, इसमें थोड़ा चलिए ठीक है, खुल गया है। यहाँ पे हमारे चैनल का नाम है अनीश देसी लेयर पोल्ट्री फार्म। यहाँ पे सर्च कर लीजिए EN EES अनीश देसी, देख लीजिए यहाँ पे ये आ चुका है हमारे चैनल का नाम। इस पे चैनल पे क्लिक कर दीजिए। हमारे चैनल का कोई भी एक वीडियो FRP का आप ओपन कर लीजिए। काफी हमारे चैनल पे FRP के अनलॉक की वीडियो पड़ी हुई है, कोई भी एक वीडियो ओपन करिए, उसका डिस्क्रिप्शन खोलिए, डिस्क्रिप्शन में आ जाइए। एक क्विक शॉट सिर्फ 2 MB का है, मैं इसी को इंस्टॉल करता हूँ। इससे भी हो जाएगा, अपेक्स लॉन्चर से भी हो जाएगा। तो अपेक्स लॉन्चर 20 MB का है, क्विक शॉट सिर्फ 2 MB का है, तो इससे हम करते हैं, फटा करके डाउनलोड हो जाएगा। चलिए एक लिंक पे क्लिक करिए, देख लीजिए ब्राउजर हमारे सामने फटा करके खुल चुका है। अभी नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा समय लगता है, मैं कोशिश करता हूँ कि फटाफट कम समय में वीडियो कम्प्लीट हो जाए। देख लीजिए खुल चुका है। नीचे आ जाइए, डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए एक बार। यहाँ नीचे आ जाइए, यहाँ पे देख लीजिए डाउनलोड क्लिक हियर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए एक बार। देख लीजिए यहाँ पे आ चुका है, ओके कर दीजिए। चलिए मैं ओके कर दिया हूँ। अब जो हमने सॉफ्टवेयर अभी डाउनलोड किया है, इसे बुकमार्क यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए। देख लीजिए डाउनलोड, यहाँ पे क्लिक करिए डाउनलोड पे। यहाँ पे देख लीजिए सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया है, तो यहाँ पे आ चुका है क्विक शॉट। इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करना तो ईजी है, सबको पता है कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ओपन करिए,
तुम इसमें सेटिंग ढूंढ लीजिए। देखिए सेटिंग है, यहाँ पे क्लिक करिए। देखिए हम सेटिंग में आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे आउट होम पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे एमआई वर्जन, इस पे दो तीन बार क्लिक करिए। डेवलपर सेटिंग ओपन हो जाएगा तीन चार बार क्लिक करने पे। उसे मैं अभी कर दिया हूँ, हो चुका है हमारा डेवलपर सेटिंग ओपन हो चुका है। नीचे आ जाइए, देख लीजिए एडवांस सेटिंग पे क्लिक करिए। ये डेवलपर सेटिंग यहाँ पे है, मिल गया। यहाँ पे वेब अनलॉकिंग, इसको ओपन करिए। दो तीन बार करेंगे तभी जाके ओपन होगा। चलिए हम कर लेते हैं इसे। ध्यान रहे कि ये वेब अनलॉकिंग जब तक ये ऑन ना हो जाए तब तक आप इसे अच्छे से बिल्कुल बैक आके फिर से दोबारा आके इसमें देख लीजिए, ये ऑन हो चुका है। अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ नहीं करना है। और मैं इसको रोबोट नाउ कर देते हैं। जब तक ये ऑन होता है तो थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। चलिए इसे फटाफट वाईफाई अपना कनेक्ट है। स्केप कर लेते हैं। देखिए वहां पे मेल आईडी वेरीफाई के लिए मांग रहा था, अभी नहीं मांग रहा है, वो हट चुका है। देख लीजिए ये सब कुछ सही हो चुका है। चलिए हाँ फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। चलिए धन्यवाद।